हाय गाइस, हाउ आर यू। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम सेल का। मैंने पहले लेक्चर में आपको सेल का इंट्रोडक्शन और सेल का डिफिनीशन कैरेक्टर्स पढ़ाया। अब हम नया लेक्चर देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं सेल के अंदर। मेरा टॉपिक रहेगा सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी किसको कहते हैं? तो सेल थ्योरी का मतलब हो गया, थ्योरी का मतलब हो गया एक स्टेटमेंट जो साइंटिस्टों के द्वारा दिया जाता है, जो भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, और जो रिसर्च करते हैं उस टॉपिक के अगेंस्ट वो एक स्टेटमेंट देते हैं, उस जो भी उनको नॉलेज मिलता है उसको। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, सेल्डन और स्वान। सेल्डन जर्मन के थे, बोटैनिस्ट थे, स्वान ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने अलग अलग टाइम में अलग अलग एरिया में काम किया, एक प्लांट के एरिया में काम किए और एक एनिमल्स के एरिया में काम किए, और दोनों ने अपने अपने एरिया में स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो स्टेटमेंट दोनों का सेम था और वही स्टेटमेंट बना सेल थ्योरी, बिकॉज दोनों का स्टेटमेंट सेल की रिगार्डिंग था। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल की रिगार्डिंग हो, जो सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके प्रोडक्शन के बारे में बताता हो। तो इन्होंने तो ये बता दिया कि सेल क्या है, कैसे है, सेल का क्या स्ट्रक्चर है, सेल का क्या फंक्शन है। सेल का प्रोडक्शन इन्होंने कंप्लीट नहीं बता पाया, केवल बताया कि सेल का प्रोडक्शन होता है, मतलब नए सेल्स बनते हैं, लेकिन नए सेल्स कैसे बनते हैं इन्होंने ये नहीं बताया। तो एक स्टेटमेंट जो सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोडक्शन को बताया, सेल थ्योरी कहलाता है। ये सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसको ओल्ड सेल थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल सेल थ्योरी भी कहते हैं। सेल्डन जर्मन बोटेनिस्ट थे, गिवन इन 1838 में, और श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो 1839 में दिए थे। इन दोनों का कहना क्या था कि कोई भी दुनिया का बॉडी, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, बॉडी ऑफ एनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। सेल और उसके प्रोडक्ट से बना होता है। दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, या दुनिया का कोई भी प्लांट और एनिमल का बॉडी, वो सेल का बना होगा और सेल के प्रोडक्ट से बना होगा। सेल के प्रोडक्ट का मीनिंग कि एक सेल है और उससे नए सेल्स बन रहे हैं, तो वो नया सेल्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ओल्ड सेल। लेकिन ये ड्रॉबैक रहा इन दोनों का, कि इन दोनों ने ये प्रॉब्लम या ड्रॉबैक रहा कि इन दोनों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स हैं, मतलब हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया। बस ये बताया कि सेल और नए सेल से मिलकर कोई भी बॉडी बना होता है, लेकिन नए सेल्स कैसे बनते हैं इन्होंने ये नहीं बताया। एक और साइंटिस्ट है रडल वर्चो। रडल वर्चो रीडिफाइन किए सेल थ्योरी को, मतलब जो इन्होंने बात बोला था इसी बात को रखा, बस इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल का डिवीज़न होता है और जो भी पुराने सेल्स होते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, वही सेल्स हैं, वही डिवाइड करके नए नए सेल्स को बनाते हैं, तब पूरा बॉडी बन जाता है। तो इन्होंने, रडल वर्चो ने 1855 में, अप्रॉक्स 1855 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1855 के आसपास इन्होंने क्या किया, 1855 में इन्होंने रीडिफाइन किया सेल थ्योरी को, हेवल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और नए सेल्स के फॉर्मेशन को बताने में एक्सप्लेन किया कैसे नए सेल्स बनते हैं, और फाइनली इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करके मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, इस मॉडर्न सेल थ्योरी में तीनों साइंटिस्ट का नाम आता है। काम तो किया रडल वर्चो ने, क्योंकि रडल वर्चो कंप्लीट काम नहीं किया, ये दो बात इन्हीं का रखा, बस इन्होंने सेल डिवीजन को बता के प्रोडक्शन ऑफ सेल्स को बता दिया। तो यहाँ पे सेल्डन का भी नाम आता है, स्वान का भी नाम आता है, और रडल वर्चो का भी नाम आता है। मैं वर्चो लिख देता हूँ। तीनों साइंटिस्ट आ जाते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। अब मॉडर्न सेल थ्योरी जो थे उनका क्या स्टेटमेंट था, मॉडर्न सेल थ्योरी का स्टेटमेंट तो ऑलरेडी एक पहले का स्टेटमेंट ही है और डिवीजन वाला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ सेल्स, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स का बना होगा। और दूसरी बात मॉडर्न सेल थ्योरी का कि जो भी नए सेल्स फॉर्म होंगे वो पुराने सेल से ही बनेंगे, ऐसा नहीं कहीं से गिर पड़ेंगे, ये ऐसा नहीं होता। ये नए सेल्स, जो भी सेल्स यहाँ पर रह रहे हैं, वही सेल मैच्योर होकर अपने आप को डिवाइड करते हैं और अपने आप को डिवाइड करके नए सेल्स को बनाते हैं। ये रहा सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के अब आगे चल के हम सेल थ्योरी का कुछ फीचर पढ़ेंगे, और सेल थ्योरी के फीचर के बाद फिर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और सेल थ्योरी कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होता है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। मैंने सेल थ्योरी के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है, सेल थ्योरी का करेक्टर्स देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या करता है। सेल थ्योरी जो इसका फीचर्स हैं कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको मालूम पड़ा कि सेल ही जो है बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर का, या बेसिक यूनिट है फंक्शन का,
फंक्शन के साथ साथ मेटाबॉलिज्म का भी बेसिक यूनिट है ये सेल थ्योरी के द्वारा पता चला। सेल इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दूसरी बात ये भी पता चला कि सेल जो डिवाइड हो रहे हैं वो पुराने सेल के जो भी मटेरियल हैं वो नए सेल्स में जा रहे हैं, मतलब जो मटेरियल जा रहे हैं वो हेरिडिटी मटेरियल जा रहे हैं, तो वो सेल ही रख रहा है हेरिडिटी मटेरियल को, और उसको जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो भी नए सेल्स होते हैं पहले वाले सेल से अराइज होते हैं। ये सेल थ्योरी का चार बेसिक पॉइंट रहा कि फीचर है कि सेल थ्योरी क्या क्या आपको एक्सप्लेन करके बताता है। ये बताता है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल फंक्शनल यूनिट है, सेल हेरिडिटी का भी यूनिट है, एक तरह से जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और नए सेल्स जो भी फॉर्म होते हैं वो सब पुराने सेल से फॉर्म होते हैं। सेल थ्योरी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, जैसे वायरस पे, बैक्टीरिया और सब मोल्ड फंजाई पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वायरस जो है वो एक तरह का न्यूक्लिक प्रोटीन है, केवल सेल का करैक्टर इसके अंदर नहीं होता, ये केवल प्रोटीनिशियस मटेरियल है, वो ग्रो नहीं कर सकता है विदाउट लिविंग मीडियम। जब कोई लिविंग मीडियम उसको मिलेगा तभी ग्रो करेगा, और सेल का मतलब ये नहीं होता है, इसलिए सेल थ्योरी वायरस पे अप्लाई नहीं होता है। बैक्टीरिया जिसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये क्या है, ये ट्रू सेल नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और सेल ऑर्गेनेल के पास भी मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब बोले तो कि सेल ऑर्गेनेल भी इसका डेवलप नहीं है, सेल ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन भी नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। बैक्टीरिया एक तरह का कह सकते हैं, हम कहते भी हैं, जानते भी हैं कि बैक्टीरिया जो है एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल पे भी सेल थ्योरी अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है सब मोल्ड फंजाई, ये कुछ फंजाई हैं, ये फंजाई ए सेलुलर होते हैं, और ए सेलुलर बॉडी होना मतलब सेलुलर बॉडी नहीं होना, मतलब सेल नहीं होना। अगर ये सेलुलर बॉडी है, इनके पूरा प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो सेल थ्योरी के सिस्टम को ये कंटेन नहीं कर पाते हैं या उसके अनुसार नहीं रह पाते हैं। ये रहा आपका साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी एंड एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी किस क्या कहता है, सेल थ्योरी किस पे अप्लाई नहीं होता है, इनके छोड़कर बाकी सब पे सेल थ्योरी अप्लाई होगा। और हम इस सेल को जानने परखने के लिए सेल के बारे में जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही है, कैसे सेल के बारे में वो सब चर्चा होगा, उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, उस सबसे बड़ा कारण ये है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देख पाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ ऑल्सो अ कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, बट बाई दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन एबल टू सी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर टू कम्प्लीट दियर एक्सपेरिमेंट। ना इट इज़ अ थ्री टाइप, फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज लाइट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज डिस्कवर्ड बाई एंड वॉन लियनहॉक, एंड द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द पावर ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, इज 75 to 250 टाइम्स मोर। नाउ सेकेंड इज लाइट माइक्रोस्कोप ऑल्सो कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक एंड मैग्नीफाइंग पावर नॉट डिफाइंड। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नाउ इट इज वेरियस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज एंड यूज इन द वेरियस फैक्टर्स इन द वेरियस एरिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अनस्ट्रसिक एंड मेकनोल डिस्कवर्ड, बोथ आर जर्मनिस्ट बट बोथ आर केम फ्रॉम द जर्मन and belong from the German, and the electron microscope have magnifying power is 40,000 times and is also improves the 200,000 times can improve, and this is the basic knowledge about the cell feature, salient feature of cell theory, exception of cell theory and invention of microscope. आइए next lecture देखते हैं हम इसके अंदर सेल शेप साइज और नंबर की बात करते हैं कि सेल का शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है और नंबर क्या होता है। पहली कहानी हमारा नंबर का चलेगा कि सेल के नंबर अगर एक हो तो यूनिसेलुलर होता है, और सेल के नंबर मोर देन टू हो तो वो मल्टी सेलुलर कहलाता है, टू भी होगा तो मल्टी सेलुलर, मोर देन टू भी होगा तो मल्टी सेलुलर। तो सेल यूनिसेलुलर में बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया है तो इसको यूनिसेलुलर मान लेते हैं, लेकिन ये है प्रोकैरियोटिक सेल, तो ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा सिंपल
सेल या सिंपल यूनिसेलुलर सेल, ठीक है। तो सिंपल यूनिसेलुलर हो गया तो बैक्टीरिया हो गया, ये प्रोकैरियोटिक में आता है, लेकिन सिंपल वर्ड लगा के अपने आप को बचा लिया। इस पूरे फंजाई की दुनिया में एक ऐसा इस फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, ये याद रखिएगा। पैरामीशियम क्लैमाइडोमोनास इग्लिना भी आ जाता है यूनिसेलुलर के अंदर, ठीक है, और भी ये सब आ जाएंगे। टू या मोर देन टू सेल्स जो होंगे वो मल्टी सेलर के अंदर आएंगे, दुनिया के प्लांट्स हो जाएंगे, सारे के सारे फंजाई हो जाएंगे इसको छोड़कर, एनिमल्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सभी के सभी मल्टी सेलर हो जाएंगे। मतलब नंबर की दुनिया में सेल को हम यूनिसेलर और मल्टी सेलर के नाम से जानते हैं। अगर साइज़ की दुनिया में आ जाए, साइज़ को डिसाइड करें, तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये सेल जो है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के नाम से जाना जाता है, और कुछ अदर सेल भी होते हैं। आपको ये तीन पॉइंट याद रखना होगा। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है दुनिया में, PPL जिसको कहते हैं, पी बोले तो प्लूरो, पी बोले तो निमोनिया, एल बोले तो लाइक, ओ बोले तो ऑर्गेनिज्म, उसका यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ है। दुनिया के लार्जेस्ट सेल एक सेल होता है ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच का एक सेल जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, 170 x 135 mm in diameter। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है ह्यूमन बींग्स का, हम लोग का जो नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। कुछ अदर सेल्स भी हैं जैसे बैक्टीरियल सेल्स है जो इसका मापदंड ये लिखा हुआ है मेजरमेंट, RBC बाइकन केव सेप का नॉर्मल होता है वो 7 μm in diameter होता है ह्यूमन बींग्स का RBC, ठीक है। ये हुआ हमारा सेल के नंबर की दुनिया, सेल के साइज़ की दुनिया। अगर साइज़ की बात किया जाए तो साइज़ अफेक्टिव हो सकते हैं, साइज़ बदल सकते हैं, साइज़ घट सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर द सेल साइज़, सेल साइज़ के लिए क्या क्या अफेक्टिंग फैक्टर है। पहला अफेक्टिंग फैक्टर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये आपका सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, इसका ये और इसका ये दोनों का अगर हम रेशियो मिलाएं तो ये साइज को डिपेंड कर सकता है। अगर सेल का साइज बढ़ रहा है तो इसका भी साइज बढ़ेगा और इसका भी साइज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब साइज बढ़ते हैं, इस साइज अगर बढ़ते हैं तो इसका भी जगह बढ़ेगा और इसका भी जगह बढ़ेगा। नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम उसका घटेगा, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के रेशियो अगर मिलाया जाए तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज इसका बढ़ता है कब, सरफेस अगर साइज बढ़ रहा है तो एरिया और वॉल्यूम का रेशियो घटेगा, अगर साइज घट रहा है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो बढ़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट है तीसरा फैक्टर है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेल का मेटाबॉलिज्म 100%। ये सेल कैसा है, सेल कितना कम्प्लेक्स है, सेल कितना सिंपल है, कितना बड़ा सेल है, कितना छोटा सेल है। सेल बड़ा होगा जगह ज़्यादा होंगे, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, ज़्यादा वर्क करना है, ज़्यादा फंक्शन करना है तो बॉडी को सरफेस एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया रखेगा उतना ही मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होंगे, जितना ही कम सरफेस रखेगा सरफेस एरिया उतना ही मेटाबॉलिज्म कम रहेगा। मतलब तीन फैक्टर्स हैं जो सेल के साइज को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सेल का नंबर, सेल का साइज क्या होगा, सेल के साइज को अफेक्ट करने वाले कौन कौन होंगे। अब इसके बाद का पॉइंट चलेगा सेल का शेप, तो हम देखते हैं यहाँ पे सेल का शेप जो है वो किस किस तरह का होता है। शेप में स्फेरिकल शेप हो सकता है, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, स्पिंडल, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, किडनी, डंबल, और भी शेप हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लेके आपको बताया कि शेप का मतलब क्या समझना है आपको। जैसे स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल शेप ओवम, इस तरह का स्फेरिकल शेप ओवम, पॉलीगोनल बहुत सारे से हो सकता है इस तरह से अलग अलग एंगल के, तो पॉलीगोनल लीवर सेल होगा, क्यूबॉइडल समझ रहे हैं, बोन सेल होगा, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, स्पिंडल शेप स्मूथ मसल सेल, सिलेंड्रिकल शेप स्टेटेड मसल सेल, सर्कुलर शेप RBC जो कि बाइकनकेव शेप का भी होता है, क्या होता है, बाइकनकेव शेप का भी होता है, किडनी सेप जिसको बीन सेप भी कहते हैं, ये गार्ड सेल्स ऑफ डाइकोट प्लांट होता है। अब समझेंगे डाइकोट प्लांट क्या होता है। डाइकोट प्लांट का मतलब वैसा प्लांट जिसके सीड का कोटिलेडन जो हो दो हो। अगर किसी प्लांट के सीड का कोटिलेडन दो हो तो वैसे प्लांट को डाइकोट कहते हैं, और उस प्लांट के अंदर जो लीफ सेल स्टोमेटा हो जो होते हैं उसके पास जो गार्ड सेल होता है वो बीन सेप या किडनी सेप का आपको मिलेगा। नेक्स्ट है डंबल सेप का होते हैं गार्ड सेल्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। लाइक एक बार क्वेश्चन भी यहां से आया था, ग्रास के अंदर जो गार्ड सेल होते हैं वो किस शेप के होते हैं, या पूछ लिया था कि डंबल शेप का जो गार्ड सेल होता है वो किसका होता है, ग्रासेस उसका आंसर गया था, ठीक है। तो गार्ड सेल मोनोकोट प्लांट का जो होता है वो गार्ड सेल डंबल शेप का होता है। ये आपका सेल थ्योरी, साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी,
सेल का शेप साइज एंड नंबर, ये सब करते हुए डिटेल आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और भी कुछ सेल के बारे में। ओके, थैंक यू।